गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं घनश्याम गुड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेला श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में भारत का इतिहास इसमें की प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सैंधव धर्म कला। आज हम सैंधव धर्म और कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता का अर्थ, विस्तार क्षेत्र, इसके निर्माता कौन थे, मोहनजोदड़ो की नगर योजना, सैंधव समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम सिंधु कला व सिंधु धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले धार्मिक जीवन, सिंधु समाज का धार्मिक जीवन। सिंधु समाज का धार्मिक जीवन तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोरों और चित्रों के आधार पर यहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले बहुदेववाद, नंबर एक है बहुदेववाद। नंबर एक बहुदेववाद, तो अनेक देवी देवताओं की उस समय आराधना की जाती थी जिसकी पुष्टि खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर की गई है, जिनमें दो मुख्य शक्तियों की उस समय पूजा की जाती थी। नंबर एक परम पुरुष की उपासना और नंबर दो परम नारी की पूजा। परम पुरुष के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती थी और परम नारी के रूप में माता देवी की उपासना का उस समय प्रचलन रहा था। नेक्स्ट है मातृ पूजा। नंबर दो मातृ पूजा, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे जिसे जॉन मार्शल ने महादेवी के रूप में भी माना। यहाँ के लोग सृष्टि का जो आरंभ है नारी शक्ति के द्वारा ही मानते थे। ये लोग मातृ देवी को संपूर्ण लोक की जननी और पोषिका समझते थे। मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी दी जाती थी। तो इस प्रकार मातृ देवी की पूजा का प्रचलन उस समय रहा था। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा, मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों और प्रतीकों के अंकन से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा भी किया करते थे। यद्यपि खुदाई में किसी मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त नहीं किए गए हैं, इतना निश्चित है कि सिंधु निवासी के जो लोग हैं मूर्ति पूजा करते थे। नेक्स्ट है देवी देवताओं का मानवीकरण। देवी देवताओं का मानवीकरण, देवी देवताओं का मानवीकरण, यहाँ के लोग देवी देवताओं को मानव के रूप में देखते थे। प्राप्त मोरों और मूर्तियों में मानव आकृति का जो चित्रण है इस बात को सिद्ध करता है। यहाँ के लोग देवी देवताओं को मानव के रूप में देखते थे। प्राप्त मोरों और मूर्तियों में मानव आकृति का चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट है शिव पूजा।
नेक्स्ट है शिव पूजा। हड़प्पा की खुदाई में एक ऐसी मोहर प्राप्त की गई है जिस पर अंकित चित्र भगवान शिव का है। जॉन मार्शल के अनुसार यह मूर्ति शिव की है, तो इससे ये ज्ञात हुआ कि सिंधु निवासी के लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है पशु पूजा। नेक्स्ट है पशु पूजा। मुद्राओं पर पशुओं के चित्र अंकित पाए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि बैल, भैंस, भैंसा, हाथी, बारहसिंगा, हिरण, बाघ आदि की समय पूजा का प्रचलन रहा होगा। कुछ पशु मानवीय और पार्श्विक दोनों ही रूप में दर्शाए गए हैं। इस समय नाग पूजा का भी प्रचलन रहा था। पशु पूजा के साथ साथ उस समय नाग पूजा का भी प्रचलन रहा था। नेक्स्ट है जल पूजा। जल पूजा। सिंधु प्रदेश की खुदाई में जल कुंडों के अवशेष की प्राप्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जल को पवित्र मानकर सिंधु निवासी इसकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार सिंधु समाज में जल पूजा का भी प्रचलन था। नेक्स्ट है हिरण पूजा। लिंग पूजा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक लिंग प्राप्त किए गए हैं जो साधारणतः पत्थर, लाल पत्थर अथवा नीले पत्थर के बने हैं। इनमें से कुछ अत्यंत छोटे हैं तो कुछ 4 फुट तक ऊंचे भी पाए गए हैं, तो इससे पता लगता है कि सैंदव निवासी लिंग पूजा किया करते थे। यह लिंग शिव के प्रतीक होने के कारण ही काफ़ी पवित्र भी माने जाते थे, तो इस प्रकार सिंधु निवासी लिंग पूजा करते थे। नेक्स्ट है योनि पूजा। लिंग पूजा के प्रचार है योनि पूजा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत से छल्ले प्राप्त किए गए हैं जो पत्थर, चीनी, मिट्टी और सीप के बने हुए थे। इनका आकार आधा इंच से लेकर 4 इंच तक है। अधिकांश विद्वान छल्लों को योनियों का प्रतीक समझते हैं। उनका मानना है कि सिंधु निवासी लिंग पूजा के साथ साथ योनि पूजा किया करते थे। इस प्रकार सैंदव लोग प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के रूप में पूजा करते थे। सैंदव लोग प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के रूप में इसकी पूजा किया करते थे। आइए अब हम देखते हैं योनि पूजा के पश्चात वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा में तुलसी और पीपल की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है सैंदव समाज में। सिंधु घाटी की खुदाई में प्राप्त मोहरों, मिट्टी के बर्तनों पर पीपल, नीम, बबूल आदि चित्र अंकित पाए गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी अनेक वृक्षों की पूजा करते थे। सैंदव लोग वृक्ष को पवित्र मानकर उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। पीपल का वृक्ष उस समय सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। इसके अलावा पीपल के अलावा सिंधु समाज के लोग तुलसी पूजन, नीम, बबूल, खजूर आदि वृक्षों की भी पूजा करते थे। तो इस प्रकार वृक्ष पूजा के रूप में पीपल और तुलसी का पूजन जो कि महत्वपूर्ण था सैंदव समाज के लिए। नेक्स्ट है सूर्य और अग्नि पूजा। सूर्य एवं अग्नि पूजा का प्रचलन।
सैंधव लोग सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। खुदाई में प्राप्त सूर्य की मूर्तियों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सैंधव लोग सूर्य की पूजा करते थे। घरों में अग्निकुंड पाए गए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज के लोग अग्नि पूजा भी करते थे। नेक्स्ट है अग्नि पूजा। प्रतीक पूजा, तो खुदाई में सिंह, स्तंभ, स्वास्तिक आदि के चित्र पाए गए हैं। विद्वानों का मानना है कि इन चिन्हों का भी कोई न कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, तभी इनकी पूजा अर्चना की जाती होगी। सिंधु निवासी स्वास्तिक को शुभ पवित्र मानते थे। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक का चिन्ह अत्यंत ही पवित्र शुभ समझा जाता है। तो इस प्रकार प्रतीक पूजा का प्रचलन सैंधव समाज में रहा था, जिसमें स्वास्तिक की पूजा का प्रचलन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है धार्मिक प्रथाएं। तो इस प्रकार हिंदू निवासी पूजा में धूप, दीप, अग्नि आदि का प्रयोग करते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत नृत्य का आयोजन उस समय किया जाता था। पशु बलि का उस समय प्रचलन था। खुदाई में प्राप्त योगासन मुद्राओं के आधार पर यह भी अनुमान लगाया गया है कि सिंधु निवासी योग साधना भी किया करते थे। मंदिरों में उस समय देवदासी प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट है जादू टोने में विश्वास। खुदाई में प्राप्त ताबीजों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि सिंधु निवासी भूत प्रेत आदि से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो सिंधु सभ्यता के निवासियों के धर्म का आर्य के बाद में हिंदुओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। वह उसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता और वर्तमान हिंदू धर्म में घनिष्ठ संबंध रहा है। आज भी सिंधु धर्म का हिंदुओं पर गहरा प्रभाव है। आज भी हिंदू धर्म में मातृ पूजा, मूर्ति पूजा, शिव पूजा, पशु पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, पीपल तुलसी की पूजा, सूर्य अग्नि की पूजा, प्रतीक पूजा अर्थात स्वास्तिक आदि पूजाओं का प्रचलन आज भी हिंदू धर्म में पाया गया है। इस प्रकार सैंधव समाज का जो धर्म है काफ़ी सरल रहा है, जिसके अंतर्गत बहु देववाद, मातृ देवी की उपासना, परम पुरुष की उपासना, देवी देवताओं का मानवीकरण, शिव पूजा, पशु पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, वृक्ष पूजा, सूर्य अग्नि पूजा, प्रतीक पूजा, धार्मिक प्रथाएं, जादू टोने में विश्वास आदि इनकी धार्मिक संस्था के प्रमुख आधार रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं सैंधव समाज की कला किस प्रकार से रही है। आइए हम देखते हैं सैंधव कला का सैंधव कला। सिंधु धर्म के पश्चात सैंधव कला फर्स्ट है मूर्ति निर्माण कला। नंबर एक है मूर्ति निर्माण कला। सिंधु क्षेत्र में प्राप्त मूर्तियां कला की सुंदरता, सजीव
तथा सूक्ष्मता और उत्कृष्ट कला के प्रमाण रहे हैं। ये मूर्तियाँ पत्थरों, मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं से बनी होती थी। हड़प्पा से प्राप्त की गई पत्थर की बनी दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, एक लाल पत्थर की बनी मानव मूर्ति और दूसरी मूर्ति है रत्की की, हाव भाव को प्रकट करती है। खुदाई के कांसे की बनी हुई रत्की की मूर्ति भी प्राप्त की गई है। खुदाई के अंतर्गत कांसे की बनी हुई एक रत्की की मूर्ति प्राप्त की गई है, जो कि नृत्य की मुद्रा के हाव भाव को प्रदर्शित करती है। यह मूर्ति तत्कालीन मूर्ति कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मूर्तियों की विभिन्न भाव भंगिमाएँ और उनकी सूक्ष्मता इन्हें यूनानी मूर्तियों से भी अधिक उत्कृष्ट सिद्ध करती है। मूर्तियों की विभिन्न भाव भंगिमाएँ और उनकी सूक्ष्मता इन्हें यूनानी मूर्तियों से भी अधिक उत्कृष्ट सिद्ध करती है। नंबर दो है चित्रकला। इस प्रकार मूल्यवासी मूर्तिकला में निपुण थे। चित्रकला मूर्ति निर्माण कला के पश्चात है चित्रकला। तो मोहरों की चित्रकारी अत्यंत ही सजीव है, सूक्ष्म है। सांडों और भैंसों के सजीव रूप में मोहरें प्रस्तुत करती हैं। खुदाई में अनेक बर्तनों और मोहरों पर जो चित्र बने हुए हैं वे बड़े ही सुंदर और आकर्षक हैं। इस प्रकार सिंधु निवासी चित्रकला में भी काफ़ी निपुण रहे थे। नेक्स्ट है बर्तन बनाने की कला। बर्तन बनाने की कला में भी सिंधु निवासी काफ़ी निपुण रहे थे। मिट्टी के बर्तन चाक की सहायता से बनाए जाते थे। इनमें कुछ अनेक प्रकार के चित्रों से भी अलंकृत हैं। अधिकांश चित्र पशुओं के हैं। मिट्टी के सुंदर खिलौने भी उस समय बनाए जाते थे। इस प्रकार बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे। नेक्स्ट है मुद्रा निर्माण कला। मुद्रा निर्माण कला। इस प्रदेश की मुद्रा निर्माण कला काफ़ी छोटी की थी। मोहरे विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथी दांत, मिट्टी की बनी होती थी। कुछ मोहरों पर लेख प्राप्त किए गए हैं। कुछ मोहरों पर पशु पक्षियों के चित्र अंकित पाए गए हैं। मोहरों पर अंकित चित्र सजीव और सुंदर है। लेखन कला। सिंधु निवासी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते से ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु निवासी लेखन कला के अंतर्गत चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ की खुदाई से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ के लोग लिखना अवश्य जानते थे। 2500 से अधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं, लेकिन इस लिपि के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया और इसे आज तक न ही पढ़ा गया है। हंटर के अनुसार सिंधु लिपि चित्रात्मक रही थी। लिपि का प्रत्येक चित्र किसी विशेष शब्द अथवा वस्तु को प्रकट करता है। कलाएं। तो इस प्रकार सिंधु निवासी सूती और ऊनी वस्त्र बनाने में भी काफ़ी निपुण थे। रंगाई की कला ये जानते थे। ये कांसा, सोना, चांदी, तांबा आदि की विभिन्न वस्तुएं बनाया करते थे। सुंदर आभूषण विभिन्न धातुओं से उस समय बनाए जाते थे। सिंधु निवासी गुड़िया निर्माण कला में भी निपुण थे।
ये गुड़िया मिट्टी, पत्थर, हाथीदांत, सोना, चांदी आदि की बनी होती थी। इन पर रंग तथा पॉलिश की जाती थी। चनूदड़ों में गुड़िया निर्माण कला का एक कारखाना स्थित था। चनूदड़ों में गुड़िया निर्माण कला का एक कारखाना स्थित था। इस प्रकार चैतर कला और चैतर धर्म की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। आइए अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विनाश पतन किस प्रकार हुआ। सिंधु सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी, आखिर इसका पतन किन कारणों से हुआ था। सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी रहे हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर हैं 2500 ईसा पूर्व के आसपास नष्ट हो गए थे। इसके कई कारण रहे थे, जैसा कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ का आ जाना, दूसरा कारण सिंधु नदी का मार्ग बदलना और सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को रेगिस्तान बना देना, तीसरा कारण जलवायु में असाधारण परिवर्तन, मौसमी हवाओं का रूप बदलना, वर्षा कम होना आदि इस सभ्यता के धीरे धीरे पतन होता चला गया और रेत के टीलों से यह ढक गया था। नेक्स्ट है भयंकर भूकंप आ गए थे या फिर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, इसके परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। आइए इसे संक्षेप में एक बार फिर से देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया है। इसमें पहला नंबर एक है, सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया था। सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया था, ये आर.ई.एम. वहीलन ने कहा था। आर.ई.एम. वहीलन के अनुसार सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट कर दिया था और इसका पतन हो गया था। दूसरा है गार्डन चाइल्ड और मार्शल मेके, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का जो पतन है बाढ़ से हुआ था। बाढ़ के आने के कारण ही इस सभ्यता का अंत हो गया था। नेक्स्ट है डी.डी. कौशाम्बी, इनके अनुसार मोहनजोदड़ो में आग लगाकर शायद इनके निवासियों की हत्या कर दी होगी, तभी इस सभ्यता का पतन हुआ था। जबकि आस्तीन के अनुसार वर्षा की कमी के कारण कृषि और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा था, इसके परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। इसी प्रकार देश ने जो सभ्यता के पतन का कारण माना वह भूकंप। देश के अनुसार भूकंप के कारण यह सभ्यता विनाश हो गई थी और इस सभ्यता का अंत हो गया था। जबकि सहानी के अनुसार इस सभ्यता के विनाश का कारण था वह जल पलावन था। जबकि अमलानंद घोष के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन का कारण था वह जलवायु में परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ था। तो विद्वानों ने इस संबंध में अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया और स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार सिंधु सभ्यता जो कि एक नगरीय विकसित सभ्यता थी इसका पतन हुआ था। विदेशी आक्रमण भी इस सभ्यता का एक मुख्य कारण बताया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय विकसित सभ्यता रही थी। इनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन काफ़ी सरल था। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता का ही विकसित रूप थी, लेकिन यह मत तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। इनके आधार पर इस सभ्यता की विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, न ही इस सभ्यता के कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध है, न इसकी अभी तक लिपि पढ़ी जा सकी है। फिर भी यह सभ्यता एक सुसंगठित, व्यवस्थित, उन्नत सभ्यता थी। इसने बाद की सभ्यताओं को भी पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया था। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ था। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।